नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है और आपका डिजिटल मूवमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ इस तरीके की वीडियो को बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रकार के नेम आर्ट वाले वीडियो को बना सकते हैं। तो इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए हम काइन मास्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको दबा देना है और इस बार 9:16 का ये जो रेशियो इसे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ मटेरियल्स का लिंक दूंगा, सिंपली जाना है आपको, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आना है। सारे का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पहले मटेरियल को यहाँ पे लेके आता हूँ, इसके लिए मैं अपने मटेरियल को यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा वो पहला मटेरियल है, कुछ इस प्रकार से है। इसे सिंपली जितने समय का वीडियो बनाना चाहते हो उतने समय का खींच के बना सकते हैं, इस तरीके से ड्रैग करके आप बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दाहिनी तरफ देखिए आपको विग्निटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसको ऑन कर देना है ताकि ये चारों तरफ ब्लैक शैडो हो जाए, जो देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद हमें इसमें लिरिक्स को ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस लिरिक्स वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा वो लिरिक्स वीडियो है कुछ इस प्रकार से, इसे यहाँ पर हमें रखना है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है, इस प्रकार से रखना है कुछ इस तरीके से। और दाहिनी तरफ आपको जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है। तो ये अच्छा यहाँ पे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद दोस्तों इसे हमें इस लेयर पे क्लिक करना है, जो लिरिक वाला लेयर है इस पर क्लिक करना है और बाईं तरफ 3 डॉट्स है इस पर क्लिक कर देना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने से क्या होगा कि ये थोड़ा बोल्ट में दिखेगा, देखिए ये कुछ बोल्ट दिख रहा है इस प्रकार से, ये बोल्ट में दिखेगा, थोड़ा गाढ़ा दिखेगा ताकि देखने में अच्छा लगे, इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद दोस्तों अब हमें इसमें बैकग्राउंड वीडियो को ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा वो बैकग्राउंड वीडियो है, इसे सिंपली खींच कर इस तरीके से बड़ा कर लेना है और दाहिनी तरफ जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है, तो कुछ इस तरीके से देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद एक और वीडियो का हमें ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस वीडियो को लेके आना है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से ये वीडियो है, इसे सिंपली फुल स्क्रीन कर देना है और दाहिनी तरफ आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है। तो हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, जो बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। इस तरीके की वीडियो को लोग देखना पसंद करते हैं और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे सेव और शेयर करने के लिए देखिए दाहिनी तरफ जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इसे क्लिक कर देना है और अपने फाइल के रेजोल्यूशन को चुनकर सिंपली इसे सेव कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के स्टेटस वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।